हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। आई होप आपने 10.1 और हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट्स का देख चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 10.2 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24, तो दिस इज 24। और क्या बोला हुआ है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, लाइक ये क्यू होगा और क्यू से उसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे कुछ मैं अपना अलग नाम लिख देता हूँ, दिस इज लाइक एम, तो ये कितना है 25 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओ क्यू स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस कौन सा है, ये वाला है हाइपोटेनियस। तो ओ एम कितना है वो तो हमें नहीं पता, जो कि है रेडियस, प्लस एम क्यू, एम क्यू कितना है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25 का स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, और ये होता है 49, और ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 49। प्लस माइनस मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा कैसा लेना है, हम लोग को प्लस में लेना है। सो फाइनली आंसर इज ओ एम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला सही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है हम लोग को कि ये डायग्राम दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे पी टी क्यू, ये वाला पार्ट। और आपको पता है कि ये टेंजेंट्स है, आपको पता है कि टेंजेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे, रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल में आपको दिख रहा है कि लाइक एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ और प्लस एंगल टी मिला के कितना हो जाएगा 360। एक क्वाड्रिलेटरल में इतना होता है, 360 होते हैं, ये हो गया 90 और ये भी हो गया बेटा 90, और एंगल ओ कितना है 110 और एंगल टी आपको नहीं पता। तो क्या करना है, चीज़ों को प्लस करके, यहाँ एंगल नहीं लिखते, और ये कितना हो जाएगा 290 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 180 और ये 70, एंगल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो दिस इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला हुआ है कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री देन फाइंड एंगल पी ओ ए। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया, और यहाँ पे क्या बोला था कि पी ए एंड पी बी, तो दिस इज पी एंड दिस वन इज ए, और यहाँ पे क्या है बी है, और ये हमारा सेंटर है। अब क्या बोलता है कि अगर एंगल पी ओ ए बताना है आपको, पी ओ ए दिस एंगल, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, और ये वाला एंगल आपको बताना है। देखो ध्यान से, ये एंगल कितना था, ये एंगल हम लोग को शायद दिया हुआ है कि टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर बाय 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री है, तो आपको बताओ कि सेंटर पे पूरा एंगल कितना बन रहा होगा, ये पूरा एंगल। तो हमें पता है कि ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस 80, कितना आता है, ये आता है 100। लेकिन आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि पी ओ ए कितना है, पी ओ ए, पी ओ ए क्या है, हाफ है किसका, एंगल ए ओ बी का। तो आपको क्या लिखना है, हाफ इंटू 100, आंसर इज 50। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, ए। क्वेश्चन नंबर थ्री ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। बोलता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हमने क्या कर लिया, डायमीटर ये पार्ट है, यहाँ पे सेंटर बना देता हूँ, और आपको पता है कि ये रेडियस है, कौन, ओ एम रेडियस है, और ओ एन भी क्या है, रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली ओ एन और ये जो टेंजेंट दिख रहा है ओ एन के ऊपर, वो भी क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं 1 और इसका नाम दे देता हूँ 2। हम लोग लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 2 भी क्या होगा 90 डिग्री। क्यों ऐसा आप बोल पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और तो और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आप बोल सकते हो। उसके बाद आपको बोलना है कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल
लाइंस, कौन सा लाइंस, लाइंस ए बी एंड पी क्यू, यहाँ पी लिख देता हूँ और यहाँ पी क्यू, लाइंस ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल, ठीक है। और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर अब देखें फाइव, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है भाई कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि पीएम जो है ना वो सेंटर से कहीं से गुजर रहा है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो, तो हमने बोला है कि मान लो कि वो सेंटर से नहीं गुजर रहा है, सेंटर से गुजरने वाला जो लाइन है वो ओपी यहाँ पे है, ओके। तो दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि लेट्स अज्यूम दैट सेंटर डू नॉट लाइज ऑन लाइन पीएम, ठीक है। और हम लोग को पता है कि ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों ऐसा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, मतलब एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और एक चीज़ हम लोग को पहले से पता था कि एम पी बी भी क्या है, 90 डिग्री है, क्यों, ये बात दी हुई थी कि ये 90 डिग्री है। अब लिखेंगे कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ओ लाइज ऑन लाइन पीएम, दैट इज सेंटर लाइज ऑन लाइन पीएम, ठीक है। तो यही बात हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यहाँ पे हमने ए बना लिया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूरी पे कितना है, 4 m, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 m, और आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो आप बताओ बेटा यहाँ पे कि रेडियस एंड टेंजेंट कैसे होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। तो हम लोग लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सो नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसान कैलकुलेशन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है कि द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3, हमने यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया है जिसका रेडियस कितना है, 5 and 3 है। तो ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको ओ ए, जो कि 5 लिखा है मैंने, और यहाँ पे लाइक हमने लिख दिया है कि ओ एम ये कितना है, 3 है। अब बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, हमने क्या कर दिया, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है जो टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को, मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए वो टेंजेंट बन गया है, यही था। तो कॉर्ड की लेंथ चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है ए बी का लेंथ। तो मुझे बताओ कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और आपको एक बात पता है कि नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक द कॉर्ड, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि ए एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है, क्यों ऐसा, तो लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक द कॉर्ड। तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अब हम लोग ना ए एम फाइंड करने में लग जाते हैं। तो ये कैसा है, देखो यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, x का स्क्वायर, और यहाँ से आपको पता है कि 25 माइनस 9 होने वाला है जो कि होगा 16 का में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x अगर मिल गया मतलब आपको ए एम मिल गया, ए एम कितना है, 4 है, तो ए बी बताइए कितना होगा, ए बी इसका डबल होगा कि नहीं, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 ओवर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा हुआ है, प्रूव दैट ए बी प्लस, ए बी कहाँ पे है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो अपना आपको क्या करना है यहाँ पे कि मैं लिख रहा हूँ कि एस डी और डी आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपको पता है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे हुए दो टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा, और ये अगर जेड है बेटा तो ये भी क्या होगा, जेड।
एंड दिस वन इज, इफ दिस वन इज ए देन दिस वन इज ऑल्सो ए। सारी बातें आपने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ कि डी आर, या ऐसे लिखते हैं कि एल एच एस से स्टार्ट करते हैं। ओके, एल एच एस में क्या है कि ए बी प्लस, ए बी प्लस कौन है, सी डी। तो ए बी मतलब कौन, ए बी मतलब है कि ए पी प्लस, ए पी प्लस कौन, पी बी। और सी डी का मतलब कौन है, आर सी प्लस कौन, आर सी प्लस डी आर। अच्छा, ए पी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए पी की जगह पे लिख सकते हैं हम ए, ध्यान से डायग्राम में देखते चलिए। और पी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जेड। और आर सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये देखो आर सी यहाँ पे है, ये लिख सकते हैं वाई। और यहाँ पे डी आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। अब इसको जो है ना, बड़ा ध्यान से देखो, ए और एक्स को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ है ए यहाँ है एक्स, हम इसको लिख सकते हैं ए डी, लिख देते हैं। और इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, वाई प्लस जेड, वाई और जेड यहाँ पर लिख रहा है, ये वाई और ये जेड, इसको आप क्या लिख सकते हो, बी सी। क्या यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हमारा आर एच एस पार्ट है, आसान है। तो आपको क्या है ना, हो सकता है कि ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि एस डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर होगा। सिमिलरली आपको ढेर सारे यहाँ पे बातें लिखनी होंगी, इसका कारण क्या होगा, कारण है कि टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये सब बातें आपको पहले लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फटाफट लिख दीजिए, मैं भी साथ में लिखता हूँ कि आर सी इज इक्वल टू कौन होगा, सी क्यू होगा। और फिर आपको पता है कि बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी पी होगा। और सिमिलरली ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एस होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब बातें, एल एच एस वाली बात स्टार्ट करनी है, हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क भी करते चलता हूँ कि दिस इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। और आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो है बी वाई, बी वाई दिख रहा है आपको, बी वाई भी टेंजेंट है जो कि कहाँ टच करता है, सी पे। देन आपको क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ओ सी को ना क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक। कर दिया हमने ज्वाइन, जैसे ही आपने ज्वाइन किया, आपको पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कौन कौन सा, तो हम लोग लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ ए सी, दोनों ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल। तो आप क्या लिखेंगे, पी वाई इज इक्वल टू कौन सा, ए सी। क्यों, तो वही सब रीजन कि टेंजेंट्स फ्रॉम, क्या लिखा मैंने कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। तो मैं यहां लिखता हूं कि ओ पी इज इक्वल टू क्या, ओ सी। क्यों ऐसा, क्योंकि ये रेडियस है। और एक चीज आपको ढूंढना होगा, कौन सा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, जो कि है क्या, कॉमन। अब बड़े आसानी से आप क्या करोगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। विच क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब एक बार अगर ये चीजें इक्वल हो गई, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब वन इज इक्वल टू कौन सा होगा, एंगल टू। एंगल वन इज इक्वल टू कौन सा, एंगल टू। कारण क्या लिखेंगे आप, सी पी सी टी। अच्छा, सिमिलरली आप बोल सकते हो कि 3 और 4 भी इक्वल होंगे, तो लिख देता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू कौन, एंगल 4। अब आप ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सब मिला के होता है 180 डिग्री। क्यों ऐसा, तो आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल है, सीधी लाइन पे एंगल बना हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये दोनों अगर इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 3 और 4 इक्वल है तो, हाँ लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे 2 कॉमन ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 180। अगर हमने एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 2 प्लस 3 मिला के क्या बनता है, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आप क्या बोलोगे, एंगल बी ओ वाई,
या एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, मतलब ये एंगल, लाइक ये एंगल मार्क कर देता हूँ, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाई द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ये हम लोग को प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, हम लोग ये चीज पहले भी कर चुके हैं। तो क्या बोलेंगे कि ओ ए परपेंडिकुलर होता है किस पे, पी ए पे, और ओ बी परपेंडिकुलर होता है किस पे, बी पी पे। चलो लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों ऐसा, तो लिखेंगे रेडियस रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सिमिलरली एक और बात आएगी कि ओ बी पी भी कितना होगा 90 डिग्री, सेम रीजन कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है इस पे, यहाँ पे मैंने 90 लिखा है, आप इसको ठीक से लिख लेना, ये है 90। अब क्या लिखेंगे कि एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल पी, चारों एंगल के बारे में लिखवाया मैंने, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे कितने होंगे, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, क्यों ऐसा, तो आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल ओ के बारे में तो नहीं आइडिया है, बट ये वाला आपको पता है कि ये 90 और ये भी क्या है 90 है, और एंगल पी इज इक्वल टू कितना 360। सो फाइनली एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी आपको मिल चुका है, जो कि कितना बोला हुआ था कि 180 प्रूफ करने के लिए, हमने प्रूफ भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। तो आई होप आपने पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखा हुआ है, आप अपने सजेशंस, अपने सुझाव भी आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कंटेंट में कहीं पे और सुधार होनी चाहिए, क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, या आपकी तरफ से कोई भी सुझाव अगर आपको लगता है तो आप हमें जरूर लिखें। थैंक यू।